हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बता रहे हैं कि हम स्ट्रॉबेरी को ज़्यादा लंबे समय तक किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और बिन मौसम में भी हम इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए हम इसको किस तरीके से स्टोर करते हैं बताते हैं आपको। तो अब जैसे कि स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, सीजनेबल है, तो अभी क्या करते हैं, अभी तो काफ़ी आ रही हैं तो हमें अच्छे से मिल जाती हैं, लेकिन कभी होता है ना गर्मियों में हमारा मन करता है कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ड्रिंक पीने का, आइसक्रीम खाने का, या कुछ केक बनाना, कुछ भी जो आपका जैम, कुछ भी जो दिल करे तो मन करता है कि अब खाएं, लेकिन कहाँ से, या तो मतलब मार्केट से लेना होता है, लेकिन आप उसको स्टॉक भी कर सकते हैं। बट ये कैसे पॉसिबल है, ये फ्रूट्स तो हमारा 2-4-6 दिन में ख़राब हो जाता है और फिर ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कैसे चलेगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ट्राई कीजिए, ये 6-7 मंथ आराम से चल जाता है। कि अभी हम सारी स्ट्रॉबेरी अपनी छन्नी में डालेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अभी हम इस छन्नी में डालकर अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेते हैं। तो मैंने अच्छे से वॉश कर ली हैं और ये काफ़ी सारी हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, हाफ का मैं क्रश बना के रखूँगी। इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्रश बनाते हैं। और आधी मैं स्टोर करके रखूंगी अपनी गर्मियों के लिए। तो कैसे स्टोर करना मैं बता देती हूँ कि आप एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसमें ये स्ट्रॉबेरी डाल देते हैं। तो अभी क्या है, स्ट्रॉबेरी मैंने डाल दी हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको, हल्के हाथों से इसको बिल्कुल ड्राई करना है, इसको बिल्कुल सूखना है अच्छे से, बिल्कुल भी पानी ना रहे इसमें। तो सारी ही स्ट्रॉबेरी हमें इसमें अच्छे से पोंछ लेनी है, ड्राई करनी है, पानी नहीं छोड़ना है। तो अभी हमें सारी ही स्ट्रॉबेरी इसी तरीके से पानी से पोंछ लेनी है। कपड़े से पोंछेंगे हम इसका, पानी सारा हटा लेते हैं, उसे ड्राई कर लेते हैं। ये मैंने ड्राई कर लिया है और अब जो इसका इस तरीके से डंठल है उसको हमें कट करना है स्ट्रॉबेरी से अलग। इस तरीके से हम इसको कट करते जाएंगे सारी स्ट्रॉबेरीज के। तो देख रहे हैं आप, मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और इसके जो ऊपर ग्रीन पत्ती थी या डंठल था वो मैंने इसको हटा दिया है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमें इस तरीके से एक लॉक वाला बैग लेना है, लॉक वाली पॉलिथीन या पिन्नी, आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहें, मतलब जो आप इसको जिस नाम से जानते हैं। तो ये मैंने लॉक वाली बैग लिया है, एक पॉली बैग, और अब हम इसमें ये सारी स्ट्रॉबेरी डाल देंगे। तो ये मैंने फिल कर लिया है और अब रैप कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रॉबेरीज को डीप फ्रीजर में रख देंगे। हमें इसका लॉक वाली पिन्नी का यूज़ इसलिए करना है कि बस हमारे स्ट्रॉबेरी के पास हवा ना जाए बिल्कुल भी। ये बिल्कुल एयर टाइट हो चुकी है क्योंकि हमने इसमें लॉक कर दिया है। और अब हम इसको रख लेते हैं अपने डीप फ्रीज़र में। तो डीप फ्रीज़र में रख देते हैं हम इसको और इसको हम 6-7 मंथ ऐसे ही रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जब भी हम निकालेंगे, थोड़ी देर पहले निकाल लेंगे, तो ये हमको बिल्कुल फ्रेश ही मिलेंगी। सो अभी हम इसको स्टोर करके रख देते हैं। तो मैंने ये 1 मंथ पहले स्ट्रॉबेरी रखी थी, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ये स्ट्रॉबेरी ऐसी ही रखी है बिल्कुल फ्रेश। तो मैंने फ्रीज़र से निकाल के आपको दिखाया है। और इससे पहले जो मैंने स्ट्रॉबेरी स्टोर करके रखी थी वो मैंने जस्ट अभी प्लेट में डाली है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही अच्छी हमारी स्ट्रॉबेरी रखी हुई है, कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रॉबेरी में नहीं है। तो आप इसको ऐसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है रखने में। बस ध्यान रखें कि पॉली बैग के अंदर हवा ना जाए और हमारा जो फ्रिज है वो थोड़ा कम खोलिए और दूसरा डीप फ्रीज़र में ही आप इसको रखिए। और आप इसको जब आपका दिल करे तभी आप अपनी स्ट्रॉबेरी से आइसक्रीम, कोई भी अच्छा डेजर्ट या शेक्स कुछ भी बना के, केक वगैरह ट्राई कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारी स्ट्रॉबेरी सेव करने वाली, तो स्टोर करने वाली, तो हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।